कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलती हैं? यानी कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते हैं? अगर हाथ पर लगी चोट तो सिग्नेचर बदल जाता है, और अगर दिल पर लगी चोट तो नेचर बदल जाता है। सुबह पढ़ो या रात को, हमेशा दिल में रखे इस बात को कि सफल बनना है एक दिन अपने आप को। तो दोस्तों, आप लोग का अधिक मात्रा में कमेंट आ रहे हैं कि सर जी, बीएससी थर्ड पार्ट का फॉर्म तो फिलअप करवा लिया गया है, लेकिन एग्जाम कब होगा? तो दोस्तों, आप लोग को एग्जाम जो है आपके सिर पे चढ़ चुका है, आपके एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। समझो या मानो तो आप लोग को एग्जाम की तिथि भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों, ये महीना चल रहे हैं आप लोग का अगस्त का, और अगस्त महीना में आप लोग को जो है पार्ट थ्री की फॉर्म फिलअप करने की डेट बढ़ा दी गई है, यानी आप लोग को बताया गया है कि आप 25 अगस्त तक, जी हाँ दोस्तों, 25 अगस्त तक आप लोग विलंब शुल्क के साथ आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोग को अंतिम तिथि दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप लोग को बता दो कि जिस प्रकार मिथिला यूनिवर्सिटी में होता है कि फॉर्म फिलअप हुआ और तुरंत बाद आप लोग को एग्जाम ले लिया जाता है, तो उसी प्रकार आप लोग को बता दो कि 25 अगस्त के बाद आप लोग का एग्जाम कभी भी हो सकता है। 100% हम संभावना कर सकते हैं कि अगस्त के लास्ट वीक में तो नहीं कहेंगे, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक में, जी हाँ दोस्तों, सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग के पार्ट थ्री का एग्जाम 100% ले लिया जाएगा। और आप लोग के बहुत सारे छात्रों का कमेंट ये भी है कि सर जी, तैयारी कैसे करें? और कुछ ऐसे भी सब्सक्राइबर है, वो अभी कान में तो तेल लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में वो कॉल करेगा, मैसेज करेगा कि सर जी कैसे तैयारी करें, नहीं करें आप बताइए, क्योंकि पार्ट टू में आप लोग को बहुत सारा हेल्प मिला होगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को हम कहने के लिए आए हैं कि आप जाग जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम आपके सिर पे चढ़ चुके हैं, और ये पार्ट वन और पार्ट टू नहीं है कि आप लोग को प्रमोटेड हो भी जाएंगे तो आप लोग अगले सेशन में एग्जाम देंगे, पार्ट टू में या पार्ट थ्री में एग्जाम देंगे। ये आप लोग का फाइनल डिसीजन है, पार्ट थ्री है, पार्ट फोर नहीं होगा। यदि आप लोग को इसमें प्रमोटेड लग जाएगा तो आप एक साल या दो साल वो आपके बैकअप चले जा सकती है। इसलिए आप लोग सही से तैयारी अभी से ही लग जाइए, आप लोग को मात्र एक महीना का टाइम बचा हुआ है। तो तैयारी कैसे करना है आप लोग के लिए, ऑलरेडी हम अपने चैनल एसमनी एकेडमी पे देखिए, आप लोग के सामने अभी यहाँ पे लाइव वीडियो भी चल रहा है कि ऑलरेडी हम आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। तो जल्दी से आप लोग यूट्यूब पे जाइए और चैनल पे सर्च मारिए एसमनी एकेडमी, या आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे जो एसमनी एकेडमी का चैनल दिख रहा है, इस फोटो पे क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां से आप लोग जल्दी से तैयारी कर लीजिए। यदि पार्ट वन और पार्ट टू का भी मेरे भाई कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप भी जाकर के देख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को मेरी जानकारी बहुत ही अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से, लाइक से और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाने का। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।